पेरिस ओलंपिक में इस बार जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश झूम रहा है। सभी नीरज चोपड़ा और उनसे जुड़े लोगों को बधाई दे रहे हैं। ऐसे में नीरज चोपड़ा के पहले कोच नसीम अहमद को भी बधाइयां मिल रही हैं। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद सारा देश नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहा है। इस खास मौके पर नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद के घर भी लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। नसीम अहमद ने पेरिस ओलंपिक में नीरज के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि नीरज चोपड़ा पहले से ही खेल के प्रति संजीदा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। हालांकि गोल्ड न जीत पाने का हमें मलाल है, लेकिन हमें संतुष्टि है कि नीरज ने देश को सिल्वर मेडल दिया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा देश को एक बार फिर गोल्ड मेडल जिताकर देंगे। नीरज का प्रदर्शन पहले से पिछले ओलंपिक से बेहतर किया है, अपना उसने लाइफ बेस्ट किया है, पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दूसरे खिलाड़ी ने दी, उसके कारण हम सिल्वर पर हमें संतोष करना पड़ा। पर नीरज एज ए चैंपियन की तरह उसने कल अपना इवेंट किया था और हमें हमारे देश को फर्स्ट, इस बार हमारा कोई सिल्वर मेडल नहीं था तो नीरज का आज भी हाईएस्ट इंडिया के अंदर मेडल रहा है, तो हमें सिल्वर मेडल दिया, उसके लिए नीरज को, पूरे देश को, सभी को बहुत बहुत बधाई। सिल्वर आने के बाद भी हमारा जोश कम नहीं हुआ, तो भविष्य में आने वाले ओलंपिक में हम उस चीज़ को, इसके जो रंग को बदलेंगे और अगले ओलंपिक में हम गोल्ड लेके दिखाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।